हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के पापड़ और बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आलू आपको नहीं दिखाई हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आलू को बॉयल कर रही हूँ। तो उबलते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ और ये 1 kg के बराबर है, बड़े बड़े साइज़ के आलू हैं। और देखिए, उबाल ली हूँ मैं इसको, उबल चुका है, चेक कर लिया है मैंने। अब इसको गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम यहाँ पर और एकाधो काम कर लेते हैं। तो देखिए, मैं 4 सूखी मिर्च ली हूँ और इसको कूट लेंगे, मतलब हम इसको चिली फ्लेक्स बनाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और नमक डाल के इस तरह से कूट लेंगे ना, तो ये कूट भी जाता है। ऐसे खाली मिर्ची को कूटेंगे तो जल्दी से नहीं कुटाता है। और ये दरदरा सा देखिए कुटा गया है, बिल्कुल चिली फ्लेक्स के जैसे। और एक्स्ट्रा नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके नमक के साथ इसको हम डाल देंगे आलू में। अब हम यहाँ पर देखिए धनिया के पत्ती लिए हैं, मतलब धनिया का पत्ता लिया है मैंने। और ये डंठल वाला है तो मैं इसके डंठल जो है ना, मैं काट के निकाल दूंगी और जो पत्तियां हैं उसी को मैं बारीक काट करके इसे रेडी कर लूंगी। तो इसे भी फेंकना नहीं है, इसे चटनी वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं या तो सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, हरे धनिया की पत्ती को देखिए इस तरह से बारीक काट करके इसे रेडी कर लेंगे। अब मैंने ज़्यादा कट कर लिया है क्योंकि मैं 2 रेसिपी शूट करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा कट किया है। इसे साइड में रखेंगे और देखिए आलू ठंडा हो चुका है। अब हम इसके सारे छिलके निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये न्यू आलू जो होता है ना, तो इसके छिलके बहुत ही पतले होते हैं और बहुत जल्दी निकल जाता है। तो उससे सारा मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे, तो आप चाहें तो हाथ से मैश करिए। हाथ से मैश करते हैं तो आप गरम गरम में ही मैश करेंगे, तभी ये अच्छे से मैश होंगे। और नहीं तो इस तरह से ग्रेटर से आप इसे घिस लीजिए, कोई लम्स रहने के चांस नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। अब इसमें देखिए लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, तो ये हरा वाला लाल मिर्च जो होता है, लाल हो जाता है, वही मैंने लिया है। और थोड़ा सा सूखा वाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें फ्लेवर के लिए मैं नहीं डालूंगी, बस ये हरा धनिया डालेंगे। तो 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम मैं साइड में रखती हूँ, पहले भी से मिक्स नहीं करूँगी, एक काम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने 2 प्लास्टिक लिया है कवर, एक ही कवर था उसको मैं टुकड़ा कर दी हूँ। तो इसको हम रेडी करके रख लेंगे। तो आलू मतलब मैश करने से पहले या बाद में आप इस तरह से इसे रेडी करके रखें, आपका काम इजी हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से एक को बिछाएंगे और हाथ में ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से लोई बना लेंगे आलू का। देखिए, मैंने मैश कर लिया है और इस तरह से इसे रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर, उसके बाद एक कवर रखेंगे प्लास्टिक वाला, और इस तरह से हम बॉल बना करके पूरा रेडी करके रखेंगे ताकि पापड़ बनाने में जल्दीबाजी में दिक्कत ना हो। और इस तरह से ऊपर से प्लास्टिक रख करके, और हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से इस तरह से फैलाते जाइए, इस तरह से फैलाइएगा और बहुत ही पतला अच्छा एक साइज़ के ये बन जाएंगे, देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से ढक के उससे दबाएंगे तो वो एक शेप में आ जाएगा, बट हाथ से भी देखिए कितना अच्छे से निकल जा रहा है। मेरी मम्मी सिर्फ ऐसे ही बनाती थी, मैं मम्मी का ही देखी हूँ और वैसे ही बना रही हूँ। तो इसे आप कवर पे, प्लास्टिक कवर पे या कपड़े पे, किसी भी चीज़ पे इस तरह से धूप में डाल करके सुखाइए। तो इस तरह से मैं पहले सारा पापड़ को डाल लेती हूँ, उसके बाद धूप में रखेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा भी धूप में मैं नहीं लेके आई हूँ, अब घर में ही है, तो मुझे सेप अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं एक कटोरी लेकर इस तरह से काट के और उसके बारीक जो किनारे हैं निकाल दे रही हूँ, और इसी तरह से मैं सारा यहाँ पर रेडी कर लूँगी। तो देखिए, अब सेप अच्छा लग रहा देखने में, इसलिए मैं कटोरी से काट दी हूँ और सुखा लेंगे इसे 1 से 2 दिन। देखिए, सूख चुका है फ्रेंड्स, अच्छे से सूख चुका है। चलिए इसे फ्राई करके मैं दिखाती हूँ। तो आलू के पापड़ हैं, आलू ऑलरेडी हमने पहले से उबाला हुआ था, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा भी तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो वो रेड हो जाता है, इसलिए फटाफट से डालेंगे इसे और निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पापड़ रेडी हो गया है और इसी तरह से बना के पूरा आप 1 साल के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है।